हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हम। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में हमारा टॉपिक चल रहा था आउटपुट डिवाइसेस। कुछ आउटपुट डिवाइसेस हमने कवर कर लिए हैं और आज के लेक्चर में हम जो छूट गए हैं वो सब डिवाइसेस हम कवर कर लेंगे। सो आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो हमें फाइनल रिजल्ट शो करते हैं इन टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हमने मोनिटर्स कवर कर लिया था, उसके बाद हमने प्रिंटर भी कवर कर लिया है एंड आज के टॉपिक में हम प्लॉटर्स देखेंगे, ठीक है। जिन्होंने मॉनिटर एंड प्रिंटर नहीं देखा है वो चैनल में जाके एक बार ज़रूर विजिट करना। हमारे सारे लेक्चर्स हैंड रिटन मटेरियल में कवर है। अगर आपको हमारे वीडियोस लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक प्लॉटर। प्लॉटर की अगर हम बात करें, दे आर लाइक प्रिंटर्स। ये किस लिए काम आते हैं? बड़े बड़े बैनर्स, एडवर्टीजमेंट की अगर हम बात करें वो प्रिंट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्लॉटर्स की। प्लॉटर क्या करते हैं? प्रिंट्स वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है। उसके बाद है प्लॉटर यूजेज अ पेन, मार्कर, पेंसिल और अदर राइटिंग टूल्स टू ड्रॉ मल्टीपल, ये यहाँ से थोड़ा मिसप्रिंट है, कॉन्टिन्यूस लाइन्स ऑन पेपर, ठीक है। प्लॉटर जो है ये सारे डिवाइसेस यूज़ करता है फॉर द प्रिंटिंग। प्लॉटर जो है HD में प्रिंट करता है। HD इज हाई डेफिनेशन। अगर हम इसकी प्रॉपर टर्म देखें तो हम BMP का यूज़ करेंगे। BMP इज बिट मैप फोटो, ठीक है, और यूज्ड फॉर मैप्स एंड ब्लूप्रिंट्स, इनके लिए ये काम आता है। फॉर एग्जांपल बैनर्स हो गए हमारे पास, एडवर्टीजमेंट हो गई, उसके बाद है हमारे पास ब्लू, आई थिंक इट इज़ ब्लू वाटर प्रिंटिंग, दिस इज ब्लू वाटर प्रिंटिंग, ठीक है। सो प्लॉटर किस लिए काम आते हैं? बड़े बड़े बैनर्स हो गए हमारे पास, बड़े बड़े मैपिंग्स हो गए, इन सबको HD में प्रिंट करना है तो हमें प्लॉटर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और अगर हम प्लॉटर की बात करें, हमने CAD पढ़ा था, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, वहाँ पे प्लॉटर का यूज़ किया जाता है फॉर द ड्राइंग ऑफ बिल्डिंग प्लान, बिलबोर्ड्स हो गए हमारे पास, आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स हो गए, इन सब का अगर प्रिंट करना हो तो किसका यूज़ किया जाता है? प्लॉटर्स का, ठीक है। उसके बाद ये जो है कुछ पिक्चर्स लगा के रखी हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके का हमारे पास प्लॉटर आ जाते हैं। दिस इज़ द ड्रम प्लॉटर। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास, दिस इज़ फ्लैट बेड प्लॉटर, दिस इज़ इंकजेट प्लॉटर एंड दिस इज़ कटिंग प्लॉटर। अलग अलग तरीके के प्लॉटर्स होते हैं, अलग अलग प्रिंटिंग्स के लिए काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जो है वो किस लिए काम आता है? प्रोजेक्टर, अगर हमने कोई सेमिनार है, कोई वेबिनार है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो हम प्रोजेक्टर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर एक डिवाइस है, दिस इज़ द प्रोजेक्टर। यहाँ पे क्या होता है, एक लेंस लगा होता है ना, ये आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, दिस इज़ द लेंस। और ये किस लिए यूज़ होता है? ये स्मॉल टेक्स्ट को लार्ज टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये कहाँ यूज़ किया जाता है? हमारे पास ये सेमिनार्स हो गए, क्लासरूम लेक्चर्स हैं, प्रेजेंटेशन है, तो हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। प्रोजेक्टर जो है ये कॉमनली यूज्ड डिवाइस है और ये प्रोजेक्ट का होता है एक फ्लैट सरफेस पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं प्रेजेंटेशन देने गए हो, वहाँ पे 10 to 15 मेंबर्स होंगे। अगर आप मॉनिटर का यूज़ करोगे, लैपटॉप का यूज़ करोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 10 to 15 मेंबर्स हैं आपका प्रेजेंटेशन अच्छे से देख पाएं, ठीक है। आप क्या, इसलिए आप किसका यूज़ करते हो? प्रोजेक्टर का, सो दैट ईच एंड एवरी मेंबर को विजिबल हो आपकी प्रेजेंटेशन, ठीक है, इसलिए हम प्रोजेक्टर्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास, यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद हम पढ़ेंगे IO डिवाइसेस। IO डिवाइसेस कौन से होते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जो हमें एज अ बोथ रिजल्ट शो करते हैं, इनपुट एज वेल एज आउटपुट, ठीक है। वन बाय वन पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लिखे हैं। पहला है हमारे पास मॉडम। मॉडम क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है सिग्नल्स को, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा एंड डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। ये दोनों के फंक्शंस परफॉर्म करता है, इनपुट एंड आउटपुट। यहाँ पे सिग्नल सेंड एंड रिसीव दोनों होते हैं, सो इट परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये IO डिवाइस है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टच स्क्रीन।
फॉर एग्जाम्पल हम मोबाइल फोन्स यूज़ करते हैं, टैब यूज़ करते हैं, वहाँ पे टच स्क्रीन लगी होती है, वहाँ पे हम इनपुट भी देते हैं एंड हमें आउटपुट रिजल्ट भी वहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिजिटल कैमराज। डिजिटल कैमराज में जब हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हम इनपुट देते हैं एंड पिक्चर्स क्लिक करने के बाद कैमरामैन से हम क्या बोलते हैं, पिक्चर्स दिखाओ, है ना। सो वहाँ पे हमें आउटपुट रिजल्ट भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास हेडसेट आ गए। हेडसेट में क्या होता है, स्पीकर एंड माइक्रोफोन दोनों होते हैं। स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस, माइक्रोफोन क्या हो गया, इनपुट दे रहे हैं, है ना, तो ये आईओ डिवाइस हो गया। उसके बाद फैक्स मशीन आ गई। फैक्स मशीन में क्या होता है, यहाँ पे स्कैनर भी लगा होता है, प्रिंटर भी लगा होता है, सिग्नल्स जो होते हैं हम सेंड भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं, सो फैक्स मशीन भी बोथ यूज होता है। ऑडियो कार्ड्स हो गए हमारे पास, नेटवर्क कार्ड्स हो गए, साउंड कार्ड्स हो गए, यूएसबी डिवाइस हो गया। यहाँ पे भी क्या होता है, हम डाटा को क्या करते हैं, रिसीव भी करते हैं, सेंड भी कर लेते हैं, सेव करते हैं, है ना, तो ये भी आईओ डिवाइस है एक। उसके बाद है हमारे पास सीडी है, डीवीडी है, यहाँ पे भी सेंड और रिसीव के काम आता है। वेब कैमरा है, ये वेब कैम में क्या करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं तो इनपुट भी जाता है, हमें आउटपुट रिजल्ट भी शो होता है, है ना। पेन ड्राइव में भी सेंड रिसीव करते हैं। उसके बाद है पंच कार्ड्स आगे। पंच कार्ड्स क्या है, दिस इज द पंच कार्ड। पंच कार्ड क्या है, एक स्टिफ पेपर है जो कि डाटा होल्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ होल्स। यहाँ पे आपको होल्स भी दिख रहे होंगे, है ना, दिस इज द पंच कार्ड। यहाँ पे जो छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं ना, ये आपको छोटे 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 होल्स, ये क्या करता है, डाटा को होल्ड करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ होल्स, ठीक है। ये परफॉर्म करता है बोथ फंक्शंस, इनपुट एज वेल एज आउटपुट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, ये सारे आईओ डिवाइसेस थे हमारे पास। अगर इनके अलावा आपको कोई और आईओ डिवाइसेस भी पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। उसके बाद है हमारे पास नोट। नोट देख लेते हैं, नोट में क्या लिखा है, हैं पेरीफेरल डिवाइसेस। पेरीफेरल डिवाइसेस कौन से होते हैं, एक्सटर्नली कनेक्टेड डिवाइसेस टू द कंप्यूटर, जो हमें एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं। हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़े, हमने आउटपुट डिवाइसेस पढ़े, तो वो क्या था, हम एक्सटर्नली कनेक्ट कर रहे थे टू द कंप्यूटर, है ना, तो वो क्या हो गए, पेरीफेरल डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद है इंक स्टोर्ड इन कार्ट्रेजेस। जो हमने प्रिंटर्स पढ़े उनकी इंक कहाँ स्टोर होती है, कार्ट्रेजेस में। समटाइम्स क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है इंक इज स्टोर्ड इन, तो नीचे ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको मार्क करना है कार्ट्रेजेस, इंक कहाँ स्टोर होती है, कार्ट्रेजेस में। दिस इज अ पिक्चर ऑफ कार्ट्रेज, ठीक है। उसके बाद है यूपीएस। यूपीएस क्या है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूज एज पावर बैकअप। दिस इज द यूपीएस डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल हम डेस्कटॉप का यूज़ कर रहे हैं, है ना, डेस्कटॉप में क्या होता है, पावर बैकअप नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कट होती है तो क्या होता है, इमीडिएटली शट डाउन हो जाता है हमारा डेस्कटॉप, है ना। उससे क्या होगा, जो भी काम हम कर रहे थे उस डेस्कटॉप पे, वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए यूपीएस का यूज़ किया जाता है फॉर द पावर बैकअप, ठीक है। पावर बैकअप के लिए यूज़ किया जाता है, ये क्या होता है, 5 to 10 minutes के लिए ये क्या करता है, पावर बैकअप देता है, ताकि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको सेव कर सके, इसलिए यूपीएस का यूज़ किया जाता है, ठीक है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। सो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में, हमने इनपुट डिवाइसेस कवर कर लिया है, आज हमारा आउटपुट भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसेसिंग डिवाइस कवर करेंगे। सो आज का लेक्चर, किसी को भी समझ नहीं आया है, कुछ पूछना है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वी विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। और जिनको हमारी वीडियोज़ लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।